अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। राज इज हियर फ्रॉम द मोस्ट फन टू एफएम एफएम हमारा कर 97। राज जहां जहां मेरे पास सुनी जा रही है, मुझे देखा जा रही है, मुझे महसूस किया जा रहा है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम पहर अगले भली कलियां वत तेरे में सुकी थी मां। And hello to my show with RJ Sania from your most and the most funny platform FM हमारा और आपका अपना करियर 97। Right, okay जी, according to my promise today Saturday और Saturday को आपका मेरा साथ होता है ठीक शाम 4 से 6 बजे तक। और I am with you from FM हमारा करियर 97 के स्टूडियो से लाइव में आपके साथ मौजूद हूँ। FM पे मौजूद आप मुझे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और जो है विद म्यूजिक कैसे आपका मेरा साथ होता है। राजी आप किस तरह से अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं मुझ तक, या किसी को पहुंचानी हो अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात, या चाहते हो किसी को ऐसी बात करूं कि पता भी ना चले, तो डोंट वरी, दैट नॉट सच अ बिग डील। दिस प्लेटफॉर्म इज द वेरी फाइन जहाँ पे आप अपने दिल की बात सबको कह सकते हो। किस तरह से, देयर आर ओनली टू वेज, एक आप कॉल कर सकते हो लैंडलाइन नंबर, दूसरा जो है आप व्हाट्सएप नंबर। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, हमारा जो लैंडलाइन नंबर है डेट वन इज 0537601961 और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमारी 0302395979797 पे। लगता है आज जो है ना सिस्टम को कुछ ज्यादा जल्दी थी म्यूजिक चलाने की, या तो म्यूजिक प्ले भी हो गया अभी जो मैं अपना एंट्री नहीं करवा रही हूँ। राइट, अगर मौसम की बात की जाए तो डैट्स आर सुपर्ब। मौसम बहुत प्यारा मौसम हो गया, सीजन जो ग्रेजुअली बहुत जल्दी से चेंजिंग आ रही है, सीजन में मौसम बहुत जल्दी से वो कह रहे चेंज हो रहा है और जैसे गोइंग टू बी समर टू विंटर जो है ना स्टार्टिंग होने वाला है। और ये जो सीजन है तेजस आर्टिस्ट होता है, इसमें इतनी गर्मी इतनी सर्दी भी नहीं लगती है। तो इसमें क्या होता है कि इन डेज में स्पेशली घर पे फरमाइश होती है कि पकोड़े खाने हैं या समोसे खाने हैं। पकोड़े जो है ना वो आइडियल होते हैं ना, एशियन जो है ना स्पेशली पाकिस्तानी, उनके अगर पास बारिश होने की देर है साथ में पकोड़े भी हम खाएंगे, साथ में चाय भी बनेगी। और आज जो है मैं पकोड़े चाय की बात क्यों कर रही हूँ ये मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर बाद। राइट जी, इसी एक प्यारे मैसेज के साथ, एक अच्छी स्माइल के साथ हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और इसी एक मैसेज के साथ जो है जल्दी से अपना नेक्स्ट ट्रैक प्ले करेंगे। वेरी फर्स्ट ट्रैक जो है मेरे मुबशीर बेग का वो सॉन्ग रखा हुआ है और ये है खबर तनु कोई ना बड़ा है ना चंचला चंचल शो टाइप का है, आपको जो है ना सोए को जगा देगा और जो जागते होंगे ना उनको भगा देगा। इसको इंजॉय करते हैं, इसके साथ जो है ना फाइनली आपके साथ आपकी तरफ आती हूँ और साथ में बताती हूँ कि आज चाय पकौड़े की मैं बात क्यों कर रही हूँ, स्पेशली मैंने चाय पकौड़े की बात क्यों की है। ओके जी, ओके जी, हाय बोलेंगे सबको, अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे और कहेंगे आप सब कैसे हो, ठीक हो, ठीक फिट फाट हो। और जल्दी से मैं वेलकम बोलूंगी नुमान चक हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि आप भी आज क्या हो गया, बाहर हो गए। ओके, साथ में चौधरी सुफियान हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं क्या हुआ यू सच, अलहमदुलिल्लाह एवरीथिंग आई एम गुड एंड व्हाट्स अप। जो आप सब कैसे, अच्छा चाय पकौड़े की बात क्यों की, क्योंकि हम इधर चाय में मौजूद है, चाय तो होती नहीं कि आज स्पेशली जो है ना पकौड़े। जब मैं आज स्टूडियो में आई तो मुझे ना भूसी आई थी और पता चला कि आज जो है ना यहाँ पे पकौड़े बने, मैंने कहा ये भी ठीक हो गया, मौसम भी अच्छा है, मूड भी अच्छा है, तो साथ में पकौड़े भी हैं, साथ में मेरे इतने प्यारे व्यूज भी शामिल होंगे। और स्टार्टिंग में जैसे मैं आपसे कहती कि जो शाम की चाय ना सैटरडे को 4 to 6 जो आपकी टी टाइम है वो आपने मेरे साथ पी ली, तो डेफिनेटली आप अपनी अपनी चाय रेडी कर ली होगी और मेरे साथ इंजॉय करने के लिए रेडी होंगे। जल्दी से वेलकम करेंगे किसको, अर्शद मारी मासा मौजूद है और कहते हैं कि आपको शो मेरा फेवरेट ही डियर डियर, थैंक यू सो मच। सुफियान कहते हैं कि वेलकम सिस्टर, थैंक यू सो मच, ये आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको मैं खिला तो नहीं सकती हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैं दिखा जरूर सकती हूँ कि आज जो है ना यहाँ पे हमें एंटरटेन किया गया पकौड़ों के साथ। और ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हम एशियन लोग, हम पाकिस्तानी लोग तो पसंद करते हैं, लेकिन साथ में जो अब्रॉड के जो लोग हैं तो स्पेशली चाहे वो किसी भी मज़हब से किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ के बहुत कहते हैं कि क्रेजी होते हैं। और मैं इसी बात से नहीं, आपको एक वाक्य सुनाती हूँ, हमारे गेस्ट आए वो अब्रॉड से आए हुए थे,
तो हमने यूजली यही चीज़ें यूजली क्या होता है कि मतलब पाउच वगैरह सारे इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन हमने खास की खास चीज़ बनाई मतलब हैंडमेड, और उसमें पकौड़े भी थे और उन्हें खा के कहा वाह क्या बात है, मैं क्या ला दस कितनी सी बात में वाह ओके ना मान के कहते हैं जुबान कर दी सही मगर दिल साफ रखता हूँ, कौन कब कहाँ बदल गया सबका हिसाब रखता हूँ। कमाल जी वाह जी वाह, इस तरह के हिसाब होने लगे तो हमारी ये दुनिया जो है ना वो जन्नत ना बन जाए, अगर हमें इतना हिसाब आता अगर नमान अगर आपको आता तो डैड्स को बड़ी अच्छी बात है। अच्छा नमान ने साथ में जो है ना मेरे पकौड़ों के साथ मौसम भी अच्छा बना दिया और जिस साथ में म्यूजिक है वाह क्या बात है, अब पकौड़े तो नहीं लेकिन चाय जो है ना वो शॉर्ट हो गई है मेरी, कोई बात नहीं। आसिम को वेलकम करेंगे, कहते हैं कि दुबई से सुन रहे हैं। अच्छा दुबई में स्टिल गर्मी है कि मौसम चेंज हो रहा है वहाँ पे, आई थिंक वहाँ तो विंटर होता ही नहीं है। और एयरपोर्ट सिंह से किया है हमने अर्शद ने, मैं खा तो नहीं हूँ पता नहीं हेलो है कि नहीं। शाहदेव कहते हैं हाय हाय बोलेंगे, शाहदेव कहते हैं ओके। मोहम्मद तो की कहते हैं कि सलाम अलैकुम सलाम, और ये नहीं उन्हें देना मैंने, मेरी चाय ठंडी ना हो जाए ओके। पापा की लाडली लाडली क्या कहती है जी, असलाम तुम आम आप ही कैसे हैं, फर्स्ट टाइम आपका शो देखा ना बाबा की लाडली फर्स्ट टाइम नहीं आपने सेकंड टाइम देखा, आप बोल रही है नमान कहते हैं आपने सैटरडे को शो क्यों नहीं किया ओके मैं आपको बताती हूँ, मेरी चाय ठंडी ना होते मुझे कहीं भी नहीं जा रहे हैं। हकीम से मैं यहाँ पर चैट नहीं करती हूँ और चाय आपके साथ इंजॉय करते हैं। अच्छा शो की अगर बात करूँ तो उसके लिए इन डेज में थोड़ा सा मैं बिजी हो रही हूँ, लाइफ में कहने के कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स ऐसे स्टार्ट हुए हैं जिसकी वजह से मुझे सैटरडे भी बिजी गुजरता है, और लास्ट सैटरडे मेरी पूरी कोशिश थी कि डेफिनेटली आपके साथ आऊँ, लेकिन वो कुछ प्रोजेक्ट ऐसा था कि मुझे उसको टाइम देना पड़ा, डैट्स आई वाज एब्सेंट सो सॉरी फॉर दैट ओके। बिलाल क्या कहते हैं सामने तुम क्या रे की को ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं, आप सब कैसे हैं और क्या चल रहा है लाइफ में क्या करें हैं ओके ओके दूसरी ओके। बिलाल इवान इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप वही हो ना जिनको मैंने पहले बोला था और आपने बड़ी अच्छी कॉपरेशन की थी मुझे याद है आपका, तो मान के थे आपने अच्छा चाय का पूछा नहीं मैंने, क्यों नहीं पूछा, मैंने कहा कि अकॉर्डिंग जो है ना मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि सैटरडे को 4 to 6 जो चाय का टाइम होता है टी टाइम आपने मेरे साथ सेलिब्रेट करना है इंजॉय करना है, तो आप सबकी चाय रेडी होगी कि तो आप ले मैंने पूछा है ओके। जिद्दी बच्चा आई अल्लाह जिद्दी बच्चा क्या कहते हैं शाम कैसे हैं अलहमदी अमदी, बाबा की लाडी कहते हैं कि नहीं फर्स्ट टाइम आई हैव लाइव ओ नहीं 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 मुझे याद है बाबा की लाडली, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप बाबा की लाडली हो तो आपका मैसेज मैं ज़रूर शामिल करूँगी आई थिंक सो बट इनफैक्ट आई एम श्योर, उसमें मेरा जो टॉपिक था वो फीमेल पे ही था एग्जैक्टली मुझे याद है ओके। मलिक मतलूब को हम वेलकम करेंगे शो में, और इसके बाद इतनी बजे का तमाशा मलिक मतलूब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शो इज़ वेरी नाइस, मतलूब फ्राम कहाँ से कोटला से, हर अली खान फ्राम ओके एफ एम 97 ठीक है। नुमान कहते हैं कि नासिर भाई के वेलकम भी कर दिया ओके नासिर अच्छा ओ माय गॉड जितनी बच्चा मैं भूल गई थी कि नासिर है ओके नासिर क्या करते हो, नासिर को ना यहाँ पे अपने प्रोफाइल में लगाए मुझे भूल जाता है ओके। बिलाल मान के थे कि हाँ हाँ आप मेरा ओके ये तो बात है ना मैं भी थोड़े बैठ लेती हैं इधर ओके। जितनी बच्चे कहते हैं राइट हाथ से टी पी है ओ माय गॉड इट्स राइट, पता है आप जब होते हैं ना लाइव तो आपको कुछ ही अपोजिट नज़र आता है, जैसे कि मैं बताऊँ एग्जाम्पल तो पीछे जो हमारा लगा हुआ है पंपी लगा हुआ है इसमें हमने लाइव अगर मैं देखूँगी तो ये उल्टा है लेकिन आपको सीधा नज़र आएगा, इसी तरह से अगर मैं नो इट्स माय लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट ओके जी ओके। सुफियान क्या कहते हैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं सिस्टर थैंक यू सो मच ओके कहते हैं बाबा की लड़की थे ओके ये बात जब मुझे भूल गया कोई बात नहीं होता रहता ऐसा होता रहता है मौसम बहुत अच्छा है और मैंने बारिश के सांग भी निकाले हुए हैं
और ये जो है तू जाने ना आतिफ असलम का सॉन्ग मैंने प्ले किया हुआ है। ये जो इमेज मुझे बड़ी प्यारी सी लगती है, मतलब इतना क्यूट सा देखना और साथ में जो है ना साथ में छोटे छोटे हार्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थोड़ी चाय रह गई, इसको जरा फिनिश कर लूँ। मजे की बात 47 ब्रेक का टाइम हो गया कि मैं जल्दी से ब्रेक ले लूँ। ओके ओके नमान कहते हैं आ रही जंग है मेरी खुद से और फिर आप हार जाएंगे। ओके जॉन एरिया का है, ठीक सही हो गया। आई थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम आई थिंक इफ ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मेरा जो है फोल्डर का मोबाइल हो गया। कोई बात नहीं, होता रहता है इस तरह। हम जल्दी से जो है अपना मैं फोल्डर निकाल लेती हूँ। लेकिन आप साथ अपना नहीं बताएं। अच्छा टॉपिक जो मैं ये जो ना इस लिंक के बाद टॉपिक भी अनाउंस करती हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ चला गया। आई थिंक सो यहाँ पे नेटवर्क इशू है बट इट्स ओके। सॉन्ग बंद करें पहले। बिलाल क्या हो गया आज, क्या हो गया? सॉन्ग क्यों बंद करने हैं मुझे ये तो बताएंगे। देखिए सर ग्रेट गड़बड़ हो गई मेरे फोल्डर में, सजनी जो है ना मेरे फोल्डर को कहीं गायब हो गया सारा। इनफैक्ट जो है मैंने 5:15 तक सारा अपना रेडी करके रखा था, मुझे दोबारा से जो है वो रेडी करना पड़ रहा है। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। न्यू वर्जन है आतिफ असलम की आवाज में, और जैसे पहले भी अपने शोज में मैंने न्यू वर्जन में सारे ट्राई करती हूँ सारे सॉन्ग्स प्ले किए जाएं, तो वही मैंने रखे थे। ये भी वही सॉन्ग मैंने रखा हुआ है। ओके एंड 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 कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, ये उन लोगों के लिए कहा गया जो अपनी लाइफ से फाइंड अप हो चुके हुए, अपनी लाइफ को एक बोझ की तरह समझ रहे हैं। देखिए जिंदगी जब कहते हैं गुजारनी तो है ही है, तो हम क्यों ना आराम से उनसे प्यार से मजे से गुजार लें। उसने गुजरना तो है ही है, काम जो होने वो तो होने ही होने, तो क्यों अपनी लाइफ को हम इसी क्यों ना बना लें। एंड ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम अपनी लाइफ में जितनी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब आप जितना भी आज हम सेल्फ पकड़ के बैठे हो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ अवर ओन इश्यूज अवर ओन प्रॉब्लम्स अवर ओन विशेज की वजह से होते हैं। अदरवाइज जो है ना हमारी लाइफ इतनी टिपिकल इतनी कॉम्प्लिकेटेड इतनी टफ नहीं होती जितनी हम समझते हैं। अब लाइफ को टफ हमने क्यों बना लिया है कि अच्छा जी मेरा लाइफ स्टाइल ये है, मेरा स्टैंडर्ड ये है, मुझे ये चाहिए, मतलब वही बात कि जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जो नहीं है हम उसको वैल्यू करते हैं। क्या है एक साल जब 17 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन दी, मतलब ये क्या बात हुई शो। मैंने बिलाल आपने क्या काम शुरू कर दिया है यहाँ पे। ठीक है आपका मैसेज अच्छा ओनली वन टाइम बट नॉट अगेन एंड अगेन जो है वो तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है
साथ में मैं अपना एक्स डेट भी रख लूँ। एक और सॉन्ग रख लेती हैं फिर हम यहाँ पे। वैसे मैं बड़ी रिलैक्स हो गई कि मैंने अपने सारा फोल्डर रेडी कर लिया हुआ, लेकिन ये जो सडनली आती है इसने धमाका किया ना फोल्डर ने मेरे साथ, मुझे इसमें ना बड़ा गुस्सा सा है। मेरे पकौड़े भी ठंडे हो चुके हुए हैं और वो भी नहीं मैंने अभी तक खाए हैं। एनीवेज अच्छा ठीक है ओके जी, मुझे बताएं कि टॉपिक जो है इसके बाद मैं डेफिनेटली 5 o'clock के इवनिंग के बाद मैं डेफिनेटली अनाउंस करूंगी। और आप में से मोस्ट पीपल को पता भी होगा कि आपको मैं बताती थी आज हमारे टॉपिक को ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड जेंटलमैन, मतलब एक आदमी और एक शरीफ आदमी में क्या फ़र्क है। और इसमें जो है ना मोस्टली रोल आज मेल का ही होगा, फीमेल भी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है अपनी वो कमेंट्स पास कर सकती हैं, बट आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दी मेल वर्जन जो है ना उनकी थिंकिंग, उनका पॉइंट ऑफ जो थिंकिंग है वो मैं जानना चाहती हूँ कि आदमी और एक शरीफ आदमी में क्या फ़र्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड बिटवीन मैन एंड अ जेंटलमैन, इसमें क्या फ़र्क है। आप अपना अपना बता सकते हैं और लास्ट में मैं अपना बताऊँगी। मैंने एफ पे एक पोस्ट लिखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इनफैक्ट मैंने वो अपनी आईडी पे भी उसे मैंने शेयर किया था और उसमें बड़े अच्छे से वो बंदे ने क्लियर किया हुआ कि एक आदमी और एक शरीफ आदमी क्या चीज़ है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होता है। तो वो मैं ज़रूर उसी के अकॉर्डिंग मैं कहा क्यों ना आप लोग से वो शेयर किया जाए। अच्छा यहाँ पे ओके माजिद अली कहते हैं हेलो हाय बोलेंगे, माजिद कैसे हो आप ठीक हो। कासिम अली हाँ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कभी कभी आने वाली कौन माजिद ने इस्लाम किया ओके कासिम है। और जिद्दी बच्चा कहता है कि हमारा तो नेम ही आज भूल गए, कैसे हो सकता है जिद्दी बच्चे, जिद्दी वाकई जिद्दी बच्चे मैंने आज बोला है कि आपको जो है ना नासी प्लीज़ अपनी आईडी जो है ना नासी के नाम से कर लें, मैं वो जिद्दी बच्चा और ही समझ आती हूँ। नुमान कहते हैं अब हम सिर्फ मुस्कराएंगे और तुम अपनी नज़र मैं गिर जाऊंगी ओके। आयशा डाल मौजूद है, काफ़ी टाइम बाद मौजूद हैं, कोई बात नहीं। आयशा डाल अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम कह रहे हैं आयशा कैसे आप ठीक हो फिट फाट। माजिद अली कहते हैं ओके ओके, यानी बहुत सारे मैसेज नीचे थे ठीक से ओके। नुमान चाच कहते हैं कि आप भी हमें नहीं पता क्या नहीं पता काफ़ी का अच्छा काफ़ी, नहीं ऐसे नहीं कहना कि आपने नहीं पता जो है ना अपने अपने व्यूज़ अपनी अपनी थिंकिंग जो है वह ज़रूर बताती है। अगर मैं साइड पे कर लूँ क्योंकि जो सेकंड लास्ट शो था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि आगे वो माइक आ गया था और मुझे बैट नज़र नहीं आ रही थी, वो कहा गया था कि आप जो है ना कॉल की मैं टाइम कर रही है इस वजह से एक सी ब्रैकेट ठंडी ठार हो गई चाय वो भी को चाय ठंडी हो जाए ओके। माजिद के कहते हैं कि एक सॉन्ग तो प्ले करते हैं, एक नहीं मैंने ये कहा ना फोर्थ वन सॉन्ग प्ले किया, चौथा सॉन्ग प्ले किया हुआ है। अच्छा चॉइस जो है ना प्लीज मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, वो कहते हैं ना कि उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, मुझे बार बार कह के शर्मिंदा ना किया करें क्योंकि ये जो है ना रिक्वेस्ट शो नहीं है। और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि यहाँ पे वो डाउनलोडिंग का जो है ना सिस्टम नहीं है और तो सॉफ्टवेयर नहीं है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ और फिर नहीं होता, तो जो है ना उस पर इत्तेफाक करें होश हो जाए। कासिम अली हाँ कहते हैं कि कभी कभी आने की वजह यही है कि अभी मेरी क्या मेरी शिफ्ट चेंज हुई है काम की ओके ठीक से ही हो गया राइट ओके। वैसे इनफैक्ट जो हमारे पास काफ़ी ऐसे जो व्यूज़ हैं जो बेचारे काम के साथ साथ ना अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं साथ में जो ना शो में पार्टिसिपेट भी करते हैं। एनीवेज बेस्ट ऑफ लक आपको बोलेंगे, जैसे जैसे टाइम मिले आप जरूर शो में शामिल हुआ करें, आपको आपके लिए आपका फिजिकली आपका मेंटल रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चे क्या कहते हैं कि अकेले अकेले टी और पकौड़े आहो अकेले ओके। नमान जट कहते हैं कि बहुत परेशान करता था ये मेरा बोला तुम्हें तो आप बताओ क्या बताओ, पसंद आई तुम्हें खामोशी मेरी आए हाय आए ओए होए, इतना प्यारा मौसम इतना आसम मौसम इस तरह की क्या मतलब बातें ओके। माजिद अली कहते हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग मेरे फ्रेंड को डेडिकेट करें ओके एसन गुजर फ्राम गुजरात ठीक है। नेक्स्ट जो है सॉन्ग ब्रेक के बाद जो मैं प्ले करूँगी वापसी जो है ना फ्रेंड्स को डेडिकेट। नासी कहते हैं कि मैं जीती हूँ ना तब नेम असर ये भी ठीक है ओके। उसके बाद कहते हैं कि पीछे हफ्ते नहीं आई थी आप, हाँ मैं लास्ट जो है ना सैटरडे मुझे ऑफ करना पड़ा किया नहीं ऑफ करना पड़ा
मैंने कहा था कि लाइफ में वो कुछ मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं जिस वजह से मैं बिजी थी, डैट्स व्हाई आई वाज एब्सेंट. ओके मंसर का वेलकम कहेंगे और मंसर क्या कहते हैं लवली ग्रुप को सलाम अलैकुम सलाम. ओके सिद्धि क्या कहते हैं कि मैं खुद सैटरडे काम और आपको सुनाऊंगी. और नुमान कहते हैं वालेकुम सलाम. सिद्धि बच्चे कहते हैं कि बरसों बाद उसने पूछा क्या करते हो. ओके और नासिर ने क्या बोला, नासिर ने कहा मैंने कहा तुम्हारा लौट के ओह वाह इंतजार कर. आज हिकमत उल्ला खान हमारे साथ जुड़े, अस्सलाम वालेकुम, आपको आई भी बोलेंगे और वेलकम कहेंगे अपने शो में क्योंकि अपने फर्स्ट टाइम मेरे शो में मुझे ज्वाइन किया है और साथ में डेफिनेटली जो है आप मेरी फील्ड के भी, इसलिए आपको वार्मली वेलकम बोलेंगे. ओके और कहते हैं नाइस थैंक यू सो मच. इकबाल ताहिर कहते हैं कि इस्लाम ओके कोई सॉन्ग भी लगा दे कर. अच्छा इकबाल ताहिर आपको ये कवालियाँ लग रही हैं, आपको क्या मतलब क्या लग रहा है, कोई आप पापड़ भेज रहे हैं सॉन्ग किया. नुमान जब कहते हैं कि क्यों नाराज रहते हो मेरी नदान सी हरकतों से, कुछ दिन की तो जिंदगी है फिर चले जाएंगे हमेशा के लिए. ओके जिद्दी बच्चा क्या कहते हैं वेलकम मंसर भाइयों की साथी थे की सेम और मेरे शहर की. ओके मैं जल्दी से ना साथ में आने चाहती हूँ, टॉपिक में अनाउंस करना है इतवार जो है मैं नंबर्स देना चाहूँ. ओके जी वेलकम बैक बोल गएंगे आप सबको, शामदीद कहेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे आप सबको जहाँ पे इस वक्त शाम हो चुकी है और जहाँ पे सुबह इनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे सबको बोलेंगे जल्दी से. अच्छा कॉल आ चुकी है, जल्दी से कॉल अटेंड करें, वी हैव टू मिनट्स मोर सो अटेंड दिस कॉल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमसा. ओके थैंक यू सो मच. लाओ मेरा प्राइस निकालो, मेरा प्राइस निकालो ना, मैंने गेस ठीक किया है. दे दूंगा. कैसे हो हमसा? अच्छा हमसा नाराज लग रहे हो, पक्की बात है? अच्छा सुनाओ क्या चल रहा है लाइफ में? हमजा भाई को सलाम. हमजा आपको नुमान ने सलाम किया है, वाह वाह कितनी अजीम हस्ती बन गए आप. ओके वालेकुम सलाम. अच्छा हमजा क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं चल रहा, लॉकडाउन ही चल रहे हैं. लॉकडाउन ही चल रहे हैं. मैं कह रही हूँ लॉकडाउन चल रहा है लाइफ में. हाँ क्या कर रहे हैं शॉप? अच्छा ठीक है, मतलब ओके आपका ग्रेट हो गया ग्रेट सही. अच्छा हमजा मुझे जल्दी से बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ जेंटलमैन? खास नहीं है हमजा, जमीन आसमान का फर्क है. हाँ है ना. अभी मैं मैन तो बना नहीं, अभी तो मैं जेंटलमैन. तो ये पूछे ना बट क्या डिफरेंस है एक आदमी और एक शरीफ आदमी में. अच्छा मुझे इतना बता दो कि एक जो मेल है उसे शरीफ आदमी बन के जिंदगी गुजारनी चाहिए या एक आदमी बन के गुजारनी चाहिए? शरीफ आदमी और आदमी में क्या फर्क है? तो ये तो मैं पूछ रही हूँ ना. आदमी आदमी है, शरीफ शरीफ है. पता क्या बात है हमजा, हमजा से ना हमजा वाले क्वेश्चन करने चाहिए. असा तो जाना है बिल्लो दे घर, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो इसकी. ओके मैसेज देना चाहोगे किसी को? हाँ मैसेज देना चाहूंगा जल्दी से. शादी के लिए मैंने कुर्ता लेना है. अपनी ये किसी की शादी के लिए? ओ अपनी हो या किसी की. अच्छा ठीक है शादी के लिए लेना है. तो मैं न्यारी कौन से कलर का दूँ? मैं बताऊँ? अरे आपके लिए पूछने के लिए कॉल किया मैंने. जो कलर आपके फेस का ना उस कलर का ले लो. अच्छा किसकी शादी है? फ्रेंड की शादी है? क्लोज है? क्लोज फ्रेंड है? टू मच क्लोज है. ओके इवेंट कौन सा है? मेहंदी बारात वलीमा ढोलक क्या है? कुर्ता शलवार. तो इसमें आई सजेस्ट वैसे ना कम्प्लेक्शन पे बड़ा मैटर करता है. कम्प्लेक्शन कैसी है आपकी? रंगत कौन कैसी है? ठीक है. नहीं मतलब सांवली फेयर डार्क क्या कलर है? नहीं फेयर है. फेयर है. लड़कियों के साथ वाइट तो नहीं पर वाइट है.
अच्छा मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें आप पहनो रेड कलर, मैंने किया नहीं नहीं रेड कलर मैं बोलूंगी, नो 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 नॉट एट ऑल, आई सजेस्ट कि आप ऑफ व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन कर लो, नहीं मतलब साथ में व्हाइट शलवार पहननी है, शलवार व्हाइट है, अगले वीक सैटरडे को ना बता दूंगी पता है क्या ये सामने चीज हो ना फिर उसका ज्यादा एस्टिमेशन होता है, तो नहीं आप ना वलीमे पे आप शूटिंग करो मतलब टू पीस पहनो और हाँ तो बारात पे ना आप वैसे कलर तो बहुत ज्यादा होते हैं, ऑफ व्हाइट कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऑफ व्हाइट के ऊपर गोल्डन हो जाए या फिर इसके अलावा कलर पता है सामने चीज हो तो फिर मुझे ज्यादा अच्छे से ना सजेस्ट कर सकती हूँ, वैसे इतना एस्टिमेशन नहीं है। ये कॉलर जो कॉलर आई है, जो कॉलर आई है, जो कॉलर आएंगे ना उनसे ठीक ओके ओके नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे को अगर आ गई तो बता देना, ठीक है सही हो गया डन हो गया, थैंक यू सो मच। हाँ अगर मैं तो आप ऐसे करो ना आप जो मेरी FB IG है ना वहाँ पे अपनी कम्प्लेक्शन की एक पिक्चर व्हाट्सअप कर दो, अपनी जो फिजिक हेल्दी है कैसी है तो उसके अकॉर्डिंग पे मैं आपको सजेस्ट करूं, 34 ठीक है सही हो गया, ओके थैंक यू सो मच हमजा, ठीक है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज, ओके जी हमजा है, हमजा ने फिर अपने आप बताना तो आता ना कि मैं हमजा हूँ, एनीवेज आपके साथ मैं बताती चलूँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0537601961, एडवर्स नंबर इज 0302395979797। टॉपिक है आज हमारा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अ जेंटलमैन, एक आदमी एक शरीफ आदमी में क्या फर्क है, आपकी क्या सजेशन है, कॉल अटेंड करके इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी जी वालेकुम सलाम, कौन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कहाँ से आवाज कट के आ रही है, आप ठीक है, हेलो हेलो जी जी आप बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, तो समझ नहीं आ रहा आपके नाम मेरे को, अपना नाम बताइए कहाँ से बात कर रहे हो, आपका माइक का कुछ प्रॉब्लम है, माइक का आप ठीक है, ऐसा लगता है बहुत दूर बैठ के बात कर रहे हैं आप हमसे, अच्छा आवाज कम आ रही है, आप ठीक है, नहीं आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज देते जल्दी से, मैं क्या बात करूँ आपकी आवाज मेरे को तो समझ आएगी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे मजे की बात है हर बात काम कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप बताएं ठीक है आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज, अच्छा आप ना जल्दी से कोई मैसेज दे दो कुछ कहना चाहते हैं तो, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी कुछ भी बात है, आवाज होती है बंद हो जाती है आपकी आवाज, दोबारा ट्राई करें, माइक भी शायद आपके माइक का प्रॉब्लम है, Might be जो है ना सिग्नल इशू है, दोबारा कॉल कीजिए, ओके थैंक यू सो मच ओके जी टाइम मुझे तो 5:05 और जल्दी से आप भी बता सकते हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या चल रहा है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है, ट्रैक पे करते हैं छोड़े सब कुछ, ओके नुमान चाच हमारे साथ मौजूद है और शहजेब वरैज हमारे पास काफी दिनों बाद मौजूद है, कहते हैं कि दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट है, वाह 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 क्या बात है, वैसे शबेज शहजेब आज आपने बड़ा अच्छा किया कि दोनों के स्पेल डिफरेंट नहीं है, एक्स्ट्रा मैन सेम है जेंटल जो है ना वो उसमें एडिशनल आ जाता है, ओके मोहम्मद नबील क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसका चाहने वाला उसे बना देता, एग्जैक्टली आई एग्री विद यू नबील, आपको वेलकम किया अपने शो में और आपने फर्स्ट टाइम जो है ना मेरे शो में मुझे एक प्यारा सा सुंदर सा मुखी सा ना मैसेज किया, थैंक यू सो मच, और नुमान जो कहते हैं कि नासिर भाई कॉल पे, ओह माय गॉड नासिर, अच्छा वो फिर ये है ना कि सम डे कर लेते हैं अटेंड, कोई बात नहीं, नासिर ने अगर इतनी दूर से कॉल की है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे अंकल, अलहमदुल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए क्या चल रहा है,
ठीक ठाक आपका शोर सुन रहे हैं और बारिश जो है खा रहे हैं। पकौड़े नहीं खा रहे? पकौड़े खाए हैं दिहाड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है, अकेले अकेले खा लिए ना आपने भी? आपने भी खा लिए? ले अंकल, ये मेरे को कहने वाली बात होती है तो खुद भेजने चाहिए। अंकल भी आ रहे हैं? नहीं अंकल, मुझे ये बताए ये मतलब गिफ्ट कोई कहने से दिया जाता है? ये तो होते ना मौसम अच्छे है तो मैंने खाया, क्यों ना मैं भी। अगर मुझे आपने बस आना है। अच्छा, तो मैंने पकौड़े लेके रास्ते में खड़ा होना था। चले नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट कमिंग सैटरडे को मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं को, अब देखो पता चल गया ना जी, 10-15 मिनट का ले ठीक है, बता रहे थे ठीक है, बेटी ने आना है जी जी, तो फिर बंदा कोई मसला नहीं, पकौड़े जाती। थैंक यू सो मच, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आफ नहीं करूँ, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा मुझे आज जो मैंने टॉपिक रखा है ना वो ये है कि एक आदमी और एक शरीफ आदमी में क्या फर्क है। तो शरीफ आदमी जो है ना वो एक खाली डब्बा, जो आदमी है ना आदमी वो एक बिल्कुल खाली डब्बा होता है, खोखा होता है, ठीक है। उसमें आप शरीफ और व्यस्त कर रहे हैं, उसमें आपको चलाकर और व्यस्त कर रहे हैं, जो मर्जी है व्यस्त कर, ठीक है। तो आपके ख्याल में एक मर्द को शरीफ बन के जिंदगी गुजारनी चाहिए कि एक मर्द काफी है? अगर वो फ्री हो जाती है तो फिर वो फ्री होगा, अगर जंग बढ़ गया तो फिर वही चाहिए होगा। अंकल जी नुमान चट आपको स्नान कह रहे हैं, नुमान चट जी बेटे। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा कोई मैसेज जी जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज अभी पूछ रहा था रंग। हाँ जी बताइए बताइए। हम तो नसवारी कलर मेरे इसके लिए सलवार पहन गए। नसवारी कलर उसके साथ व्हाइट सलवार? हाँ नीचे व्हाइट सलवार पहन। ठीक हो गया हमदा, तुम्हारा ठीक है हमदा, तुम्हारा सलूशन निकला है, नसवारी कलर की शर्ट साथ में व्हाइट सलवार। हमजा सूखा सा ही बता रहे हैं। हाँ मोटा छोटा कोई नहीं की तरह। अच्छा ठीक 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 सही हो गया, सही हो गया। ओके जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आमीन सुम आमीन 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 सुम आमीन सुम आमीन। बहुत 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 शुक्रिया इतना प्यार शो करने का। जो मैं छोटा सा पैगाम है बच्चों के लिए, तो बच्चों कोई ऐसी गलती ना करो जिससे आपके माँ बाप को किसी को सॉरी करना पड़े। Exactly. किसी से माफी मांगनी पड़े, किसी का मिंत करनी पड़े, बहुत किसी का तंगा करना पड़े। बहुत अच्छी बात है। अपने आप को कंट्रोल करो, तो ये आपके जो क्वेश्चन आपने किया है ना जी जी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, ठीक सही। थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके 5:11 हो चुके हैं और ट्रैक भी क्या था मैं यही से। ओके हार्ट विनर हमारे साथ मौजूद थे, इस्लाम कहते हैं वालेकुम सलाम कहेंगे और आपको वेलकम लेंगे। अच्छा शाहजेब रेज कहते हैं कि ज़्यादा शरीफ ही ना हो मेरे जैसे। ओके ओ माय गॉड, अगर आप शरीफ हैं तो बाकियों का क्या हाल होगा। नुमान चट कहते हैं कि बरसात के मौसम फिर आना हुआ है, एक बार फिर से ये दिल दीवाना हुआ है। ओके सैयद जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सैयद जहांगीर आपको हम हाई भी बोलेंगे और कहेंगे शो में वेलकम, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम मेरे शो में मुझे आपने मैसेज किया है और अच्छा लगा। और साथ में ये भी बताया आपने कहाँ से जो है ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से बिलोंग करते हो। एक और कॉलर है हमारे साथ, जल्दी से वो भी अटेंड करते हैं। माइट भी नासिक की कॉल हो, नासिक इतनी दूर से कॉल करते हैं तो क्यों ना अटेंड करें।
Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Ji, Waalaikum Assalam. Assalamualaikum Pakistan. Waalaikum Assalam. How are you, Israr? Nice. Ibrar, nahi. Answer. Yeah. Yeah. Kaise answer? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि माइक को ना अपने थोड़ा सा दूर रखें। दूर रखूं जी? ठीक है आप जी? सही हो गया जी। आंसर क्या कहोगे जी? मैं तो शो सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो दे रहा है। थैंक यू सो मच। ओके सही हो गया। अच्छा आंसर क्या कर रहे हो आज? अच्छा आपने जो टॉपिक रखा हुआ तो क्या रखा जी? शरीफ और एक सादा आदमी और एक शरीफ आदमी, क्या फर्क है इस दोनों चीजों में? कि दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ना ये दोनों जो है ना वो एक जैसे ही हैं। अच्छा। जो शरीफ हम जिसको बाबू शरीफ कह देते हैं ना, हाँ, तो बस वो नाम से शरीफ हो सर। ये भी ठीक है। उससे जो ये सादा आदमी होता है ना, ठीक, वो बेहतर होता है, जो वक्त को देखता है, हर वक्त के साथ जो वो समझौता करता है। नहीं तो क्या मतलब शरीफ नहीं होना चाहिए क्या? शरीफ मैं यही कह रहा हूँ ना, जिसको बाबू का काम शरीफ कह देते हैं ना। अच्छा। जो है ना वो ऊपर से तो वो शरीफ ही होता है, वो तो बढ़िया लाठियाँ करता है, वैसे भी है वो मुँह से कुछ होता है, वो अंदर से कुछ होता है। ठीक ठीक। तो ऊपर से हम उसको शरीफ कह देते हैं। ओके। तो ये तो शरीफ के साथ भी जाती है। ठीक हो गया। ओके सही। कोई मैसेज देंगे? जल्दी से मैसेज दे दो। बस मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि जैसा आप दिखते हैं ना वायर पे, ओके, आपको अंदर से भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक। मसलन कि अगर आप बाहर से सादा दिखते हैं, ओके, तो आपको अंदर से भी ना उस तरह से सादा होना चाहिए, ना कि आप बाहर से सादा हो और अंदर से काफी जड़े काटने वाले हो। वो तो मुनाफिक लोग होते हैं ना, वो तो मुनाफिक लोग होंगे, उसको मुनाफ़त कहते हैं। ठीक ठीक सही। और इंसान वो ही अच्छा होता है जो जुबान से भी इकरार करे, उस बात की दिल से भी तस्दीक करे। ठीक हो गया, सही हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बड़ी मेहरबानी। वैसे आपकी ट्रांसमिशन जो है ना, वो लगता है ना आपकी आवाज ज्यादा होगी, लेकिन जो है ना आवाज ना कॉलर की से समझ आती है। हाँ। तो आपकी भी जो थोड़ा माइक दो रखें तो बेहतर आवाज आती है आपकी। ओके ओके, थैंक यू। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल पाक आर्मी को, नाजिक सामान की पूरी टीम को। आप 4 बजे आ जाती है तो काले हम काफी देर से शुरू करती हैं। 4 बजे आ जाती हूँ, कॉल्स अटेंड करना जी। हाँ, वो आके आके देर से आप लेना शुरू करती है। नहीं, कॉल बोलो ना, आके इंट्रो देखे ना, फिर मैं कॉल अटेंड करना शुरू कर देती हूँ। Don't you worry, next time 4 o'clock से जो है ना, मैं शो शुरू करने से पहले कॉल लेंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, काफी देर पीडीएम चलता रहता है। अच्छा ठीक है ना, फिर आप गाने बहुत ज्यादा प्ले करती है। ओके जी, ओके, नेक्स्ट टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके, बड़े प्यारे हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जल्द से मैं ब्रेक पे चली जाऊँ, क्योंकि 10 ब्रेक तो मैंने रखी नहीं है, और मैं ब्रेक पे कहाँ जाऊँगी? अच्छा, शाहजेब जो है ना, आज वो बड़े मूड में है और बड़े मजे के कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, वैसे शाहजेब इंडिया का है। ओके, ये जो कह रहे हैं कि ये FM कराची की है, नो, ये FM हमारा जो है ना, ये पंजाब में खानिया सिटी है, फेमस है, ये वहाँ का है FM हमारा, खानिया 97। ओके, नुमान चक के कहते कि बारिश हो गई तो बारिश में दोनों मिलकर भीगेंगे, रेत पे एक मुसाफिर का घर और समंदर भीगेंगे। ओए होए, ठीक सही हो गया। 5:16 हो चुके हैं और टाइम जो है ना, उसको मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया है और कहाँ नहीं गया। ठीक सही हो गया। अच्छा, हर एक ना अपना व्यूज होते हैं, मतलब कोई कहेगा कि शरीफ आदमी अच्छा, कोई कहेगा कि मतलब जो सादा आदमी है वो अच्छा है। अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सारी होते हैं। मलिक कातिफ गुड मॉर्निंग ठीक कह रहे हैं। मलिक कातिफ आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर बोलेंगे आपकी लाइफ में, और आपसे कहेंगे प्यारी सी अच्छी सी स्माइल के साथ अपनी सुबह का आगाज कीजिए, स्टार्ट कीजिए, और हमारे शो के साथ इंशाल्लाह आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। है सही, ऐसे ही क्या? ओके जी, मलिक कातिफ ये भी बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करें, जहाँ पे अभी सुबह हुई है, क्योंकि हमारे तो यहाँ शाम हो चुकी हुई है।
क्योंकि ये पाकिस्तान है ना, हमारा पाकिस्तान। ओके साथ में गुड मॉर्निंग जी भी आ रहे, ठीक से युगा नुमान चक्के थे, गुड मॉर्निंग नहीं है नुमान, ये बिलोंग डिपेंड करता है ना, वेरी करता है कि आप किस कंट्री पे बिलोंग कर रहे हो और वहाँ पे क्या टाइम है। अच्छा तो ये कह रहे हैं तो मेरा कमेंट तो रीड कर, ओके कॉल की वजह से जो है ना आपके कमेंट शायद माइट भी मिस होगी, लेकिन आप करें मैं आपका ज़रूर जो है ना वो शामिल करूँगी। जोर मोहम्मद जातोई जतोई, अच्छा इसमें आपका नाम कौन सा ये भी मुझे बताइए। फ्रॉम गंपत सिंह, वेरी नाइस शो, सलाम कर, थैंक यू सर सो मच। ओके नबील क्या कहते हैं कि कहाँ तलक भला उतरे कोई उम्मीदों पर कि सांस सांस जहाँ जहाँ हो जाए। अच्छा उम्मीद पर मुके कभी भी ना किसी भी पर्सन की उम्मीदों पर पूरा करने की कोशिश कभी ना कीजिए, इंसान कभी खुश नहीं होगा, हमेशा अपने रब को राज़ी करें, खुदा को राज़ी करें, वो राज़ी तो सब राज़ी। ओके साथ जो है ना चौधरी साथ इम्तियाज है, ओके कम हाय बोलेंगे और कहते हैं गुड नाइट। साथ क्या हो गया, देखते हैं आज आपके पास ना केस नहीं आया है, कोई नहीं आए होगी ना हायरिंग, जिसकी वजह से आपने गुड नाइट भी बोल दिया, अभी तो गुड इवनिंग है, शाम हो रही है। ओके शजीब क्या कहते हैं कि यूएसए में है, मॉर्निंग हो गई इस टाइम, ओके ठीक सही हो गया। नुमान चक कहते हैं कि याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नज़र देखा था। नुमान कहाँ से इतनी आप पोइट्री लेकर आती हो, मतलब हर बात हर चीज़ पे आपकी कमेंट्री होती है। ओके आमिर सहेल हाय बोलेंगे आपको, कैसे आमिर सहेल कहते हैं कि वो किस रोज़ मिलेगा तू उसे, तो उसे पूछेंगे क्या इस कदर जल्द बुलाने का कुलिया क्या है। ओह सही ठीक हो गया, अच्छा समथिंग कुछ लोग अपने जो है ना ड्रेसिंग को लेके बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि मतलब क्या पहना जाए क्या ना पहना जाए, तो उसमें बेस्ट है कि जो आपको अच्छा लगे आप खुद को, देन ये आप ये सोचो कि मतलब व्हाट विल दी पीपल थिंक अबाउट योर ड्रेसिंग योर आउटफिट योर डिसेंट है, तो उसमें आप बड़े कंफ्यूजिंग रहते हो क्योंकि वहाँ पे आपको देखते हो कि आप सब कुछ करना, तो सब कुछ नहीं, आपको जो खुद को अच्छा लगे जो पहन के कम्फर्ट आप फील करते हो, बट दैट शुड बी डिसेंट, मतलब डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए तो वो बेस्ट है आपके लिए। आज आपकी ये क्या, आज आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, ड्रेस कहाँ से आपको नजर आ गया, मेरा तो बाया ही होता है हमेशा। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय पाकिस्तानीज एंड ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ जहाँ मुझे देखा या सुना जा रहा है, क्योंकि मैं लाइव में मौजूद हूँ, कहाँ से एफएम हमारा करना की सेवन के स्टूडियो से लाइव मौजूद हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं किस तरह से, हमारा करना एफएम 97 के लिंक पे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फीडबैक देनी है तो मेरी पर्सनल आई डी टैग वाली आर जे सनिया, आर कैपिटल जे कैपिटल एल सनिया एस ए डबल एन आई ए स्मॉल है, इस पर भी आप मुझे कमेंट दे सकते हो। टाइम हो चुका है 5:20 राइट, आपका मेरा साथ होता है ठीक ठीक शाम 4 to 6 यानी 6:00 तक, और जो डे है डेट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, दिन छोटे होने शुरू हो चुके हैं और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ यहाँ पर बैठी हूँ तो शाम हो रही थी, कोई मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा होता है या अभी पे कोई गुड आफ्टरनून कुछ गुड नाइट कह रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, वहाँ पे क्या टाइम हो चुका है, और साथ में बताएंगे कि क्या फ़र्क है एक मर्द में एक शरीफ आदमी में क्या फ़र्क है। अच्छा रियलिटी अगर मैं इसकी बताऊँ तो ये बहुत एक क्रिटिकली एक क्वेश्चन है जिसमें एक कड़वा सच है दोनों में, एक आदमी एक शरीफ आदमी बड़ा एक कड़वा सच है, जो कहते हैं ना हमेशा रियलिटी बिटर होती है, तो ये लास्ट में जो समराइज मैं ज़रूर करूँगी अपने इस टॉपिक को, एंड आई होप सो कि जितने सब मेल मेरे साथ लाइव मौजूद हैं मेरे एप पे या मुझे सुन रहे हैं वो एग्री करेंगे और अपने जो है मॉडिफिकेशन ज़रूर करेंगे अपने क्राइटेरिया, अगर आप में वो पहले सारे पॉइंट्स पाए जाते हो जो कि मैं आपको इंडिकेट करूँगी। आई होप सो यू विल नॉट माइंड, कल मिले तो सानू की साढ़ा की जाने। एनीवेज ट्रैक प्ले करते हैं, हम कहाँ किस सच्चे थे, ये उमेरा उमेरा उनका नावल था और उसी पे ये है सारा प्ले बने और उसी का टाइटल है हम कहाँ किस सच्चे थे। सो एंजॉय दिस सॉन्ग एंड मेरा टॉपिक भी वही है कि हम कहाँ किस सच्चे थे। ओके जी ये साथ में राशिद हमारे साथ, आपको हाय बोलने के साथ क्या कहते हैं कि शो बोरिंग ही हो गया। ओके साथ जी लगता है साथ आज बाकी आपको जो है ना कि वो कोई केस नहीं आया या फिर आपको मेरी बात भी लगी है तो सॉरी माय डैड, बोरिंग नहीं होता
लाइफ को हमने उतनी इंजॉय करना होता है. अगर हम कहें ना कि मतलब वो चीज़ बोरिंग है, ये बोरिंग है, तो ऐसा नहीं है. आप जितना पार्टिसिपेट करोगे आपको उतना अच्छा लगेगा. कि जैसे बड़े अच्छे अंकि शाहजेब ने बड़े अच्छे से पॉइंट्स किए. एनीवेज, अब्दुल जब्बार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार, इतने यूनान से आपको तमाम सुनवाई को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जब्बार. आपने पहले भी मेरे शो में कमेंट्स किए हैं. साथ में कौन है, राशिद हाय बोलते हैं. और राशिद कहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, हैरपुर से. ठीक हो गया. मलिक आतिफ मौजूद है हमारे साथ, शाहजेब हैं और मलिक आतिफ. ठीक हो गया. अच्छा आपके जो है ना, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा सुफियान कहते हैं कि लेट्स गो टू ब्लू हाउस. आर यू सेइंग दिस कि ब्लू हाउस? अच्छा ब्लू हाउसिंग जो हाउसिंग स्कीम है, आप उसकी शायद बात कर रहे हो. साथ में आमिर सोहेल कहते हैं कि जी अल्लाह पाक का शुक्र है. आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक फिट फाट, बिल्कुल ठीक. आप सर हैं, आप सब कैसे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है? साथ में टॉपिक में भी जो है पार्टिसिपेट कीजिए. और इसके अलावा लाइफ में हमेशा अपनी ना मॉडिफिकेशन ज़रूर करते रहना चाहिए. अच्छा हम ये ज़रूर देखते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, हम आपसे डाउन जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते मतलब हम हमने अपनी लाइफ में कहाँ अपनी चेंजिंग लाई, अपनी रूल एंड रेगुलेशन में कहाँ चेंजिंग लेकर आए हैं. ये नहीं हम देखते, बस ये देखते हैं कि मतलब हो क्या रहा है. तो ज़रूर देखा करें. और कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसी कहने हिंट है लाइफ में कि वो कभी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए लाइफ में. बी केयरफुल अबाउट डैट. अगर आप जॉब होल्डर हो तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी जॉब इन टाइम ऑनेस्टी के साथ करें. और कभी भी ये ना सोचें कि हैर है अगर मेरी ड्यूटी टाइम 9 o'clock है तो 9:01 हो जाएंगे, एक मिनट से क्या फर्क पड़ता है. कभी ऐसा ना सोचिए, एक सेकेंड भी बहुत मैटर करता है. शाहजेब क्या कहते हैं कि जेंटलमैन तो बहुत सुने, जेंटल वूमेन बहुत कम. जेंटल वूमेन क्या हो गया शाहजेब, जेंटल वूमेन? ओके ठीक है. ओके तैमूर हुसैन कहते हैं हाय हाय बोलेंगे तैमूर आपको. और कैसे हैं तैमूर? तैमूर आपको ना अपने शो में वेलकम कहेंगे. आपने फर्स्ट टाइम मेरे शो में मुझे ज्वाइन किया ना. ओके फैसल बॉबी कहते हैं कि थोड़ा आराम से बोले. ओके मैं बिल्कुल आराम से बोलूँगी, इतना आराम से कि जितना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रेडियो की ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी वो जितना स्लो और आराम से बोलेंगे आईना, मैं भी इतना ही आराम से बोलूँगी. ठीक है. शाहजेब कहते हैं कि क्या गर्ल्स शरीफ नहीं होती है? नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? ओके फैसल कहते हैं कि पहचान लो. अच्छा नहीं मैं नहीं पहचान सकी. सलेमान हमारे साथ मौजूद है, हाय बोलेंगे सलमान को. और कहते हैं कि प्लीज़. ओके शम्स हमारे साथ मौजूद है, आमिर सोहेल मौजूद है, फैसल वो भी कहते हैं कि यू आर रिलेटिव. एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एनी वन रिलेटिव एंड आई डोंट नो अबाउट यू एंड यू एनी थिंग. मैं नहीं जान सकी. एनी वेज आप भी मुझे बताते रहा करें कि आप लोग कहाँ से मैसेज करें, सीखी ने भी मैंशन किया करें और ड्रेस आप भी गलत है. अच्छा हम कहाँ के सच्चे थे? मैंने ये नावल से रीड किया है. आप नावल जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो स्पेशली रिलेटेड टू होते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो बड़े अच्छे लगते हैं. तो ये भी उनमें से एक है, हम वहाँ के सच्चे थे. तो उसी तरह से स्लो जिस तरह से मतलब इसकी स्टोरी थी. अच्छा नेक्स्ट है ना मुबशीर लुकमान और आमिर बेग, इनका एक जो है ना न्यू ट्रैक है इंग्लिश वर्जन में, ये भी मैंने वही प्ले किया हुआ है. और साथ में मैं जल्दी से ओके अली चौधरी हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं शाहजेब बराज. अच्छा रोमन जो है ना, रोमन तो चलो ठीक है इंसान पढ़ लेते, लेकिन जब आप रोमन पंजाबी में लिखते हो तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए. मतलब पंजाबी कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं कि मतलब प्योर पंजाबी मैंने सम टाइम वो कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं सुना था ना, इसलिए पता चलता. अच्छा फैसल बॉबी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका से. ओके आपको वेलकम कहेंगे फैसल. और आई थिंक सबने फर्स्ट टाइम किया ना मेरे शो में, आपको वेलकम कहेंगे. और इसी तरह आई होप सो कि आप नेक्स्ट टाइम मेरे शो में आई विल बी अ पार्ट ऑफ माई शो डेफिनेटली. ओके जाहिद हुसैन को वेलकम कहेंगे, अपने शो में हमारे रेगुलर टूरिस्ट में हैं, लेट हो गए तो बात ही फाइन होता मिलता है, बाद में बताऊँगी. ओके जाहिद हुसैन कहते हैं कि सियालकोट रेडियो रिसेंट क्लब पाकिस्तान की पहली साल की रखे मौका पाया. जो कि मैं मतलब क्या यहाँ पे आप लोगों की मार्केटिंग करूँगी. अली चौधरी कहते हैं कि शायद से परेज. ओके ठीक सही हो गया. ओके 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 नाइस हो गया.
अच्छा साथ में जो है मैं आपको बताया कि लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक है तो जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, और जैसे मैंने बताया कि अगर आप ड्यूटी में हैं तो आपने अनसी से ड्यूटी दे करें और कोशिश करें कि हमेशा दी बेस्ट देने का, और कभी ना सोचें कि अगर आपने ड्यूटी अनसी से कर रहे हैं तो हमें जो सैलरी है वो एक्सटेंड कर दी जाए या इंक्रीज़ कर दी जाए या बोनस ही दिए जाए। ऑनेस्टी से काम करो। अगर अगर आपका बॉस, अगर आपका जो ऑनर है आपको वो वैल्यू नहीं कर पाते जो आप डिजर्व करते हो, दैट डोंट एक्सपेक्ट ऑन योर बॉस। कभी इनसे एक्सपेक्ट नहीं करें, हमेशा उदाम पर नहीं देते। उदाम हमेशा जो है आपका अच्छे जो है ना हर चीज़ का वो बदला देता है। तो अपनी जॉब को इसी तरह से कंटिन्यू रखिए और इसी तरह से अच्छे से काम कीजिए। इंशाल्लाह डेफिनेटली वो लोग आज जो बहुत ऊपर मौजूद हैं वो लाइफ में एक एस्टिमेशन के साथ गए हुए हैं और ऑनेस्टी के साथ काम किया हुआ है। अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर पर अगर बात की जाए ना, बहुत ज़्यादा इसका स्नैरियो है, पता है आपकी बहुत ज़्यादा आज बंदा एक ना मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है और अच्छी भी बातें होती हैं, ऐसी नो डाउट की अच्छी बातें होती हैं, बट मुझे इतना बताएं कि वो बातें हम पे इतनी जो है इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में क्यों नहीं, या हम वहाँ पर इतना से क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि इस्लाम का ये रूल है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी को कोई एडवाइस करना चाहो तो पहले खुद उस पर इम्प्लीमेंट करो फिर दूसरे को करो। इसका क्या होता है कि वो दूसरे पे वो जो वर्ड्स हैं वो असर करते हैं और वो भी उस पर इम्प्लीमेंट करता है। जैसे अगर एग्जांपल दी जाए, दी वन एंड ओनली आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पहले खुद अमल करते थे फिर दूसरों को एडवाइस करते थे, तो क्या होता था दूसरे भी उस पर अमल करते थे। अगर हम बस किताबी लिखी बातें बोल दें आज मोटिवेशन स्पीकर बन गए, उसको कोई फायदा नहीं। फैसल कहते हैं कि माय सजेशन टू मेक यू ओन यूट्यूब चैनल, excuse me, you make us oh too much money, मतलब फैसल आप जो है ना वहाँ पे पैसे कमाने गए हो, और कहते हैं पैसे की मशीन लगाई हुई है ना आपने भी, वही मुझे सजेस्ट कह रहे हो कि यूट्यूब चैनल बना लो। ओके जी, थैंक यू सो मच, अच्छी लगी आपकी सजेशन। सर शाहजेब कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते शो ख़त्म हो जाएगा, ये भी बात ठीक होगी सही आपकी। ओके अच्छा एक मिनट है, मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा ऑन एयर जाके तो साथ में अपने जो है उनको भी चमके। ओके आप भी हुसैन गोंदल को हाय बोलेंगे कि माशाल्लाह थैंक यू सो मच, खुश आम देखते हैं अपने तमाम रिसेंट इंटरव्यूअर्स को। और क्या बताते हैं जो टाइम बजेगा 5:29 एंड ठीक आपको मेरा साथ रहे ठीक ठीक शाम 4:00 to 6:00 तक, दैट इज़ थोड़ा सा टाइम रह गया। ओके तो एक मिनट रह गया, इसमें थोड़ा सी आपसे भी डिस्कशन करती चलूँ। जैसे एवरी पे हमारी जो है डिस्कशन मेरे व्यूज के साथ चलती रहती है, मतलब आप किस तरह से लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप जो है अपनी लाइफ में हमेशा ऑनेस्टी के साथ चलते रहा करें और पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी इसको अपनी लाइफ का एक रूल बना लें। चाहे आप जॉब में लो, चाहे आप घर के कोई काम करें, जब हर काम इन टाइम और एक्सैक्ट टाइम पर होता है तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। टाइम हो चुके 5:30, इस टाइम टू हैव अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सो स्टे विद मी एंड डोंट गो एनीवेयर। ओके फास्ट म्यूजिक भी मैं साथ में रख लेती हूँ। कोक स्टूडियो, अच्छा कोक स्टूडियो के बाद मैं अगर बात की जाऊँ तो उसके अलावा और बहुत ज़्यादा जो है ना आ चुके हैं, जैसे कश्मीर बीट है उसमें भी बहुत ज़्यादा साउंड्स अच्छे होते हैं। एक तो सॉन्ग मैंने निकाल ही है और दो तीन आई थिंक सो निकाल लिए जाए। ठीक है ओके जी, शाजी पे कहते हैं कि ओके आपका तो पढ़ लिया साथ में, अच्छा साथ में जो है आने चलते हैं क्योंकि ब्रेक से मैं वापस आ चुकी हूँ।
राजशी आपके साथ मौजूद है आज इस यहाँ, और आज 11 सितंबर भी है। लास्ट में जो है अपने टॉपिक को समराइज तो मैं करूँगी, लेकिन आज 11 सितंबर है, अटैक ऑन सी डेट ऑफ आवर कायद अजम, उनकी जो डेट डेट है उसमें भी हम ज़रूर एक बात करेंगे। काशिफ अली मलिक ऑन स्टाम बोलेंगे, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम कह रहे हैं, कैसे हैं आप, खुश हैं, उम्मीद आपको ओके, थैंक यू सो मच काशिफ, आप हमारे रेगुलर व्यूज प्लेस में भी शामिल हैं, साथ में आप बड़े अच्छे जो है ना मेरी पोस्ट अभी मैं पोस्ट करती हूँ, बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं और कह रहे हैं नमाज का टाइम हो चुका है, ओके ठीक है सही हो गया। ओके 5:32 हो चुके हैं और एग्जैक्टली 55 तक हमारा टाइम है, और रात में मैं समराइज करूँगी अपने टॉपिक को। अभी ट्रैक ट्रेक पे करते हैं, अटैक ऑन राहत फतह अली खान। अच्छा काशिफ, आपके ना हमेशा बड़े यूनिक से मैसेज होते हैं, मतलब टॉपिक से रेलिवेंट हो या जनरली आप आगे कोई भी बात करो बड़े यूनिक से होते हैं, तो अगर टॉपिक से रेलिवेंट भी अगर आप कहते हैं तो मुझे यार बड़ा अच्छा लगता, उसमें अपने बड़े अच्छे व्यूज आपके मुझे मैटर करते, बड़ी एक नई सी बात मिलती, तो इसी तरह जो है ना आप बताते रहा करें कि नमाज का टाइम हो चुका है, ठीक सही हो गया। मेरे पकौड़े बेचारे जो है ना ठंडे हो चुके हुए हैं कसम से, सही बात है। आप भी तो सहम गोंदल क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू योर शो और फ्रॉम सऊदी अरेबिया, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू आर, ओके वी आर एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू आर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने सऊदी अरेबिया से भी हमने ज्वाइन किया, साथ में अपनी सजेशन वगैरह भी ज़रूर दिया करें। समटाइम हो जाता है कि मतलब टेम्पो आपका कम हो या आपका माइंड कहीं और हो, लास्ट सिटी में मैंने इसके अभी तक प्रोजेक्ट स्टार्ट की जिस वजह से मैं बिजी थी, और आज सीरियसली यहाँ बैठे बैठे जो है ना मेरा माइंड थोड़ा सा उसी पे फोकस कर रहा है, और मतलब फिजिकली आप हो मेंटली ना, और मेंटली और फिजिकली ना हो तो फिर मिक्सर बन जाता है। ओके मलिक खरूम क्या कहते हैं, इनसे राजपूत, ओके आपने सारे अपने सिग्नेचर ही भेज दी हैं, साथ में जो है ना टॉपिक से रेलिवेंट भी जरूर होता है, पकौड़ा खा लूँगा। अच्छा कुछ ऐसे सिटीज होते हैं जहाँ की कुछ चीज़ें बड़ी फेमस होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ जब हम गुजरांवाला साइड पे जाते हैं तो क्या सिटी का नेम है जहाँ की कुल्फी बहुत मशहूर है, और अगर मैं बात करूँ लाला मूसा की तो वहाँ के नान कटस हैं वो बहुत फेमस हैं, और अगर अपनी सिटी गुजरात की बात करूँ तो वहाँ पे गोलगप्पे हैं रेलवे स्टेशन के वो बड़े फेमस हैं, तो हर एक अपनी इंडिकेशन। अच्छा एक चीज़ मैंने बड़ी नोट की है कि ये जो जितने पार्ट से जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत इतनी उनके ब्लेसिंग है, वो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़े उनके रेस्टोरेंट्स हैं या क्या है, अगर इसके आगे कंट्री देखें वो जिनके बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनको इतनी अल्लाह ने एक नाम ही दिया जितने इनका छोटे छोटे पॉइंट भी होता है, तो बात वही है कि अगर कितनी मेहनत से अगर आप काम करें अल्लाह आपको उतना ही अजर देता है, और आप जितना सब्र करें अल्लाह आपको उतने ही पकौड़े देता है, और आप जितना अच्छा टाइम दें अल्लाह आपको उतने अच्छा खाने का टाइम देता है। ओके इसी को हमारे साथ मौजूद है, और अच्छा मैंने समटाइम ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ हम सुने उस पर इम्प्लीमेंट करें, समटाइम हमें जो है ना एक्चुअली जो एक ऐसी चीज़ है एंटरटेनिंग है लेकिन इतनी नहीं, जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, आप उस पर फुल टाइम कभी भी स्पेंड ना करें और ना करना चाहिए, मतलब हर अगर आप देखेंगे एट दी पॉइंट 2-3% होते हैं मोटिवेशनल होते हैं, एक ही टॉपिक पे कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव आपको बता रहा होता है, और आप डाइवर्ट आपका माइंड हो जाता है कि व्हाट शुड यू डू आई एम हियर, मतलब मैं अब यहाँ हूँ यहाँ पे मैं अब क्या करूँ, ये मुश्किल हो जाता है। फैसल क्या कहते हैं, गुड लक बेस्ट विशेस, प्लीज़ मेक योर ओन चैनल, यू विल बी मोर फेमस इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह। अच्छा फैसल आपने फर्स्ट टाइम किया है, और फर्स्ट टाइम ही आप इतनी अच्छी हो कि मतलब क्या इतनी रिक्वेस्ट के साथ कह रहे हैं कि ओन चैनल,
डेफिनेटली आई विल पॉइंटेड योर सजेशन, मैं ज़रूर इस पर सोचूंगी, तो चैनल भी बना लेंगे, कुछ रह गया भी कर लेंगे कुछ नहीं में. अच्छा उसके लिए ना टाइम चाहिए होता है, सजेशन आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसमें टाइम चाहिए होता है चैनल को चलाने के लिए, और इतना नहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लास्ट सैटरडे मैंने यहाँ से ऑफ किया, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, लास्ट सैटरडे मैंने ऑफ कर दिया था बिकॉज आई वॉज अ लिटिल बिजी, जिसकी वजह से, तो ये वजह. अच्छा हाफिज़ यासीन हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं माशाल्लाह आप अभी कैसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक फिट फाट, आप सुने. अच्छा हाफिज़ लोग मुझे, मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके पीछे लॉजिक है. हाफिज़ लोग एक ऐसे कौम हैं, ऐसे लोग हैं जिसको अपना खुदा तआला बहुत सारे लोगों में से, मतलब इससे पहले कितने एरा गुजरे जिसमें नबी पैगंबर उन्मास मतलब सारे तबा ताबीन गुजरे हैं, लेकिन ये लोग आपकी जनरेशन कॉमन से बात करें, 21st सेंचुरी की बात कर रही हूँ, जब इंसान का नेकी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नेकी की इसलाह करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अच्छी बात करना डैट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, तो इस इरा में खुदा ताला 21st सेंचुरी में खुदा अपने उन प्यारे लोगों को चुनता है जिनके सीने में अपना पूरा कुरान दे देता है. तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि बहुत खास लोग हैं जिनको खुदा ने चुना हुआ है. तो आई रिस्पेक्ट ऑलवेज हाफिज. ओके जानी आरिफ बलोच मैं समझते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहने वाले सलाम कहेंगे. ओके जानी आरिफ बलोच आपको वेलकम कहेंगे अपने शो में, और आपको वार्मली वेलकम कहेंगे. आपने बलोच आई थिंक से बलूचिस्तान टाइप से, क्योंकि अपनी प्रोफाइल की वही इंडिकेशन है, और साथ में आपने फर्स्ट टाइम किया, आपको वेलकम कहेंगे अपने शो में, और साथ में ये भी बताएं कि मतलब आपने कहाँ से किया और क्या मैसेज है, ये भी बड़ा अच्छा लगता है. 5:38 हो चुके हुए हैं. नो आई हैव ओनली फ्यू मिनट्स टू स्पेंड विद यू. लास्ट में अपनी टॉपिक इंडिकेशन करनी है, और इंशाल्लाह साथ मुझे आई थिंक सो एक नेशनल सॉन्ग है, वो भी हम आज मैं लास्ट में वो प्ले करना चाहूंगी. अगर यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मेरे पास मौजूद है तो और माइक भी हमारे साथ इस वक्त हमारे पास नहीं होंगे. ओके अगर हुआ तो मैं ज़रूर उसको प्ले कर दूँगी. उस बात जो है फिर हम एक जो है विशिंग वो अपने कायर के लिए उसके साथ ज़रूर जो है अपने शो का एंड करेंगे. ओके नुमान चल कहते हैं कि हम तो सेम टाइम हैं. अच्छा ओके सेम टाइम मतलब आप जो है बिलोंग कर रहे हैं ना पाकिस्तान से, मैं भी पाकिस्तान से अच्छी बिलोंग करती हूँ सऊदी अरेबिया, नो अनदर कंट्री. ओके हाफिज़ यासीन कहते हैं थैंक यू सो मच, आप ही अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन, हमेशा खुश रखिए, आमीन सुम आमीन, सेम टू यू हाफिज़ यासीन, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, और आप जैसे जो लोग हैं अल्लाह ताला हमें और अता करे जो अपने सीने में कुरान को महफूज रखते हैं. बट आई सजेस्ट यू सजेशन से ज़्यादा आई रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगी कि कभी भी कुरान को भूलिएगा नहीं, आप बहुत स्पेशल हो, हमेशा अल्लाह की नज़र में स्पेशल रहिएगा, और अल्लाह इज़्ज़त इंशाल्लाह बहुत अल्लाह करेगा. फैसल क्या कहते हैं कि नो नो आई वाज वाचिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, ओके बट टुडे मिस हो गया, आप दोबारा कीजिए. ओके कासिम ने हमेशा की तरह जो है बड़ा प्यारा से मुझे के साथ पार्ट चेंज और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच कासिम अली, पता नहीं क्या वो क्योंकि शॉर्ट नज़र आ रहे हैं. अच्छा वो भी शायद आपने ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो पहले भी देख लिया, तो ओके थैंक यू सो मच. लेकिन इसी तरह से अगर आप अप टू डेट हैं कि अगर साथ में शो में रहेंगे तो मुझे तीन लोग याद रहेगा, हाँ ये हमारे साथ मौजूद थे. एनी वेज इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आपके सजेशन पर मैं ज़रूर अमल करूँगी, अपनी यूट्यूब चैनल भी ओपन कर लूँगी, लेकिन इसमें मुझे फिर आप लोगों को इसी तरह से सपोर्ट चाहिए जिस तरह से अभी आप इस समय मौजूद हैं. ओके कासिम अली अलैकुम क्या वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाओ कि आप कैसे हो. कासिम अली, अच्छा दो कासिम अली हो गए हमारे पास, ये कासिम अली खान है और ये कासिम अली लीला है, ठीक से ये हो गया. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. आपने ये जो पकौड़े ये खा के मुझे ना अपनी सिटी गुजरात के पकौड़े याद आ गए, वहाँ पे भी एक पॉइंट है, वहाँ के पकौड़े बहुत फेमस हैं,
और उनके पकोड़े से ज्यादा जो साथ में चटनी देते हैं ना, वो पुदीने की और पता नहीं और किस चीज चीज की बनाते हैं, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, उनकी याद आ गई। अच्छा मजे की बात है, मैं सुबह से बहुत खा रही हूँ, और जब आज आ रही थी सीरियसली 3 पॉइंट पे स्टॉप करके मैंने मतलब खाते पीते रहे, और यहाँ ये तो यहाँ पकौड़े हैं, पता नहीं यहाँ से जाते हुए मैं कितना खाती हूँ, अल्लाह हैरी करे। ओके आप इस टाइम क्या कहते हैं कि मैडम जी विल टेक इन द मोमेंट्स इन योर शो एंड विल आल्सो शेयर द लाइव स्ट्रीमिंग विद यू, श्योर व्हाई नॉट, इंशाल्लाह यू आर अ लिटिल बिजी नाउ, यू आर आई एम ओके, इशू show happened at the same time you will listen to whatever, okay thank you very much, sure why not, but like I arranged for you 2000 stars, ek matlab hua yaar, I aim for you 2000 stars, pata nahi kya kehna chahiye, anyway thank you so much, आपका कहना भी हमारे लिए बड़ी एक कहते हैं कि हैप्पीनेस बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग कितना जो है ना अपनी इंडिकेशन शो करते हो। कासिम अली क्या कहते हैं, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनिए अलहमदिल्ला ठीक, फिर आपके सामने बैठी हूँ, डेफिनेटली ठीक है ना, आप लोग सुनाए कि आप लोग आपने कासिम खान से मैसेज किया, सीपो का ये गाना जो है ना वो निकला है क्योंकि मैंने फोल्डर से उठाया है और अभी नहीं था। अच्छा आई एम ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट मेरे पास मौजूद है जिसमें जो मैं आपसे टाटा बाय बाय करूँगी, टॉपिक को समराइज करेंगे। ओके जी आपके साथ मौजूद है आचार्य सनिया और टॉपिक था महाराज जी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ जेंटलमैन, एक आदमी और एक शरीफ आदमी भी क्या फर्क है, हर बंदे के अपने व्यूज हैं, मेरी जो माइट भी आप डिसएग्री करें लेकिन एक उसमें बिटर रियलिटी है, वो क्या है, वो ये है कि एक आदमी और एक शरीफ आदमी में क्या फर्क है, शरीफ आदमी होना बुरी बात नहीं है लेकिन एक जो जेंटलमैन है उसको लाइफ के अप एंड डाउन्स का नहीं पता होता, उसको नहीं पता क्योंकि आपका जो दौर है उसमें अगर आपको ना आप शरीफ बन के जिंदगी गुजारे तो कोई नहीं आपको गुजारने देगा, हर बंदा आपके ऊपर पाँव रख के ऊपर चढ़ेगा या आगे गुजरेगा, तो इसलिए एक जो आदमी है उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने साथ मौजूद फीमेल्स या अपने साथ मौजूद सारी फैमिली को सपोर्ट कर सके, इतनी पावर होनी चाहिए, और साथ में उसे पता हो पर्सन जो मेरे स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी उसके अंदर क्या है, इसके दिमाग में क्या है, वो बात का जो एक्सेंट है उसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो अपनी लाइफ को अच्छे शरीफ से मुराद है गुजारें, अच्छे से गुजारें लेकिन इतना शरीफ ना बने, वो कहते हैं ना कि इतना मीठा ना बनो तो कोई आपको खा जाए, ना इतना कड़वा बने तो कोई आपको उगल दे, मतलब लिनियंट होकर लाइफ को गुजारना चाहिए। फैसल कहते हैं आपके लिए थैंक यू सो मच फैसल, आप इतनी इंडिकेशन शो कर रहे हो। ओके कासिम अली क्या कहते हैं, जी मंडी बहाउद्दीन, थैंक यू सो मच कासिम, आप मंडी बहाउद्दीन से हमें ज्वाइन किए, 45 हो चुके हैं और साथ में जो आज 11th of September है डेथ डेट जो है आप कादी आज़म है, तो कादी आज़म एक ऐसे लेजेंड, एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिनके बारे में मुझे किसी तरह का इंट्रो करने की ज़रूरत नहीं, आज उन्हीं के दिए हुए मुल्क में हम बैठ के आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन लोगों की कुर्बानियाँ, ना सिर्फ कादी आज़म बल्कि उनके साथ वो तमाम लोग जिन्होंने उनका साथ दिया और उनकी कुर्बानियों से आज हम इस मुल्क में आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। और अगर आज़ादी की बात की जाए, आप उन लोगों से पूछे जो आज आज़ादी से इतनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे बल्कि कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपसे इजाज़त चाहेंगे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर नेबर्स, अच्छे से ज़िंदगी गुजारिए और लाइफ में कभी भी किसी को मिस्टेक करने का मौका ना दें, कोई ऐसी मिस्टेक ना करें को कोई आपकी तरफ उंगली उठाए, क्योंकि जब उंगली उठाई जाती है तो फिर उस पर आगे होते हैं और आपके जो करेक्टर पे एक धब्बा सा लग जाता है। हमेशा ट्राई करें कि अच्छे से लाइफ गुजारें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। और उस मैंने कासिम क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छी बातें करें हैं, देखिए अच्छा वाकई सच्ची में आज मैंने उन्होंने गुलाब जामुन खा लिए थे, इसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ओके आप इत क्या कहते हैं कि जिंदगी आरजू है और इसमें जो जी रहे हैं फात पाकर हम, और आप भी तो सैन चाहते हुए तो कोई अच्छी सी प्यारी सी ठंडी सी बात कर देनी थी, जली हुई बात कर दी। एनीवेज ही अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम कोई भी
अपना सैटरडे आप ना करूँ, आई विल बी हियर विद यू एवरी सैटरडे फ्रॉम 4 to 6 PM शाम आपके साथ अच्छी बातों के साथ, नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा शामिल हो जाएंगे। और सिर्फ एक बात करूँगी कि ज़िंदगी को अच्छे से गुजारो जिस तरह से इसे गुजारने का हक है। क्यों? क्योंकि उसने गुजरना तो है ही, तो क्यों ना हम उसे अच्छे से गुजार लें ताकि हम भी खुश रहें, ताकि अपने जो हमारे साथ चाहने वाले हैं उनको भी खुश रखें। कभी भी किसी पे हंसना नहीं चाहिए। पॉसिबल है कि कल को वही हंसी लौट के आपकी तरफ आए और वो लोग जो कल आपके साथ खड़े होके दूसरे पे हंस रहे थे वो दूसरों के साथ खड़े होके आप पे हंसे। तो हमेशा जो आप चाहते हो वही दूसरों के साथ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे आपके साथ दोबारा शाम शो लेके आऊँगी एक डिफरेंट टॉपिक के साथ और अच्छे म्यूजिक के साथ इंशाल्लाह। अंटिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।